प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर आंधी बारिश के साथ ओले गिरे तो कहीं हल्की गर्मी का एहसास हुआ। सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर सहित कुछ अन्य स्थानों पर तेज बारिश के साथ ओले गिरे। वहीं राजधानी जयपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़ सहित अन्य जिलों में हल्की गर्मी का एहसास हुआ। यहां तापमान 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। जयपुर में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान में दो और बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। पहला पश्चिमी विक्षोभ 2 मई को प्रभावी होगा और एक फिर से आंधी बारिश की गतिविधियां राजस्थान में बढ़ेगी। इसके 2-3 दिन बाद करीब 4-5 मई को एक और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय होगा। तो कुल मिलाकर इन दोनों सिस्टम की वजह से राजस्थान में अभी भी अगले एक सप्ताह के दौरान आंधी बारिश का दौर ज़्यादातर स्थानों पर देखने को मिलेगा। इस दौरान विशेष रूप से दोपहर के बाद थंडर एक्टिविटी, कहीं कहीं तेज हवाएं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जो है वो आगामी सप्ताह के दौरान देखने को मिलेगा। इसके अलावा तापमान भी औसत से करीब 5 से 7 डिग्री सेल्सियस फिलहाल नीचे दर्ज किए जा रहे हैं और अगले सप्ताह के दौरान तापमान औसत से नीचे ही रहेंगे। इसके बाद 8-9 मई से आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होगी और तापमान में आप देखेंगे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी।